जैसे रूपा जी बात करेंगे सोयाबीन की, तो सेबी द्वारा कमोडिटीज बैन करने का असर हमने सभी कमोडिटीज पर पड़ते देखा था, सोयाबीन पर भी उसका इम्पैक्ट आया था, नीचे में 5600-5700 तक के भी लेवल्स हमने सोयाबीन में आते हुए देखे थे, लेकिन फिर वहां से देख रहे हैं कि कल से रिकवरी बननी शुरू हो गई है और सोयाबीन में कल को हमने लगभग 5% का ऊपरी सर्किट भी लगते देखा है और आज देख रहे हैं कि 6200 के ऊपर की ट्रेडिंग देखने को मिल रही है सोयाबीन के अंदर। ऐसे में आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में सोयाबीन की क्या रेंज रहेगी? देखिए सोयाबीन की अगर रेंज की बात करें तो ऊपर में 6300-6350 मैक्सिमम एक अपसाइड है जो वो देखने को मिल सकता है और नीचे में 5800 है, तो यानी 5800 से लेकर मान के चलिए मैक्सिमम तेजी अभी फिलहाल 6400 तक हो सकता है कि देखने को मिले। ना तो बहुत ज्यादा अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्टेड है अब यहाँ से और ना ही बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद है। बाजार एक रेंज में फिलहाल घूमता हुआ दिखाई दे सकता है नेक्स्ट वीक में भी, और जिस तरीके से ट्रिगर निकल कर आए हैं और वापस जैसे बाजारों ने वापसी की है, फंडामेंटल काफी सपोर्टिव था लेकिन सरकार के द्वारा उठाए गए ये कदमों की वजह से हमने देखा कि थोड़ा सा बाजारों के अंदर करेक्शन आया और सोयाबीन लुढ़क गई, लेकिन वहां से अगेन से फिर पोजिशन खड़ी होनी शुरू हुई और उसको 6200 तक का मार्केट हमने आते हुए देखा है। लेकिन अब यहां से जो तेजी है वो लिमिटेड हो सकती है, 6300 से लेकर 6400 मैक्सिमम अपसाइड देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए ये रेंज बनती हुई अगले हफ्ते के लिए दिखाई दे रही है जी।